हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 13.1। और लौटे हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। गिवन दैट, बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो गिवन दैट होता है जहां पर भी ये आ जाए इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और गिवन दैट के आगे जो भी दे रखा है ना वो हमारा कौन सा इवेंट होता है, वो इवेंट होता है एफ। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। ये प्रोवेंट इवेंट हमारा एफ होता है, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ये इवेंट एफ है हमारा। गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट होता है वो एफ होता है, ठीक है। एफ इवेंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है हम दो पासों को उछालेंगे तो आपको पता है यही 36 आउटकम्स होती है क्लास 10th से करते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इस वाले आउटकम्स की बात करूं तो पहले पासे में कौन सी संख्या आई है, 3, और दूसरे पासे में आई है संख्या 2। वो कह रहा है द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब कि बच्चों जो हमारा एफ इवेंट है, हमारा बच्चों जो एफ इवेंट है ना बच्चों, इस इवेंट में वो आउटकम्स आएगी जिसमें दोनों पासों को उछालने पर जो दोनों नंबर आ रहे हैं वो अलग अलग हो। देखो जैसे समझाता हूं आपको, ये वाला आउटकम्स जो है ना बच्चों वो नहीं आएगा इस एफ इवेंट में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले पासे और दूसरे पासे की संख्या एकदम सेम है, उसने बोला है डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि देखो ये आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो जब हमने पासों को उछाला तो पहले वाले पासे में संख्या आ रही है 1 और दूसरे वाले में 2, डिफरेंट है तो इसमें डिफरेंट वाले आएंगे। अब यार ये पूरा तो मैं नहीं उतार सकता, देखो ध्यान से, क्या है 1.2, 1.3, अब ये पूरा तो मैं नहीं उतार सकता। कौन कौन से बच्चों, देखो ध्यान से, जो डिफरेंट वाले मैं उन्हें ब्लैक से वो कर रहा हूं हाईलाइट, देखो डिफरेंट वाले सेम नहीं होना चाहिए। मैं इसको नहीं लूंगा बच्चों, इस वाले आउटकम में दोनों पासों को उछाला है तो पहले वाले पासे में भी 2 आया और दूसरे वाले पासे में भी 2। हमें तो वो आउटकम्स लेनी है जब हमने पासों को उछाला और उछालने पर दोनों संख्या अलग अलग आए। तो जल्दी से ब्लैक ब्लैक डॉट लगा देखो बच्चों, देखो वही अब नहीं वाली आउटकम्स नहीं आ सकती, ध्यान से देखना बच्चों, मैं जिन आउटकम्स पे लगा रहा हूं ये देखिए, ये बीच वाली ऐसे डायगनल्स वाली छोड़कर बाकी सारे के सारे हैं। ये सारी की सारी आउटकम्स हमारी इवेंट एफ में आएगी, माने कि वो आउटकम जिसमें पासे उछाले गए और पासों की दोनों संख्या अलग अलग है, ठीक है। अब यार ये सारे तो उतार नहीं सकता, लास्ट वाला 6.5 उतार देंगे, ये सारे तो मेरे बस की नहीं है बच्चों, सॉरी मैं नहीं उतार सकता, ठीक है। लेकिन मैंने डॉट 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 करके दिखा दिया कौन से आउटकम्स है। अब देखो बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, और एक और इवेंट दे रखा बच्चों, ये रहा। एक बात बताओ, अगर गिवन दैट के आगे वाला जो भी है वो एफ इवेंट है तो ये कौन सा इवेंट है, ये हमारा ई इवेंट होगा। देखो ई इवेंट कौन सा बोल रहा है, वो कह रहा है इस ई इवेंट में, देखो ये जो ई इवेंट है बच्चों ध्यान से देखना, ई इवेंट इसमें वो आउटकम्स आएगी जब हम पासों को उछालते हैं ना तो दो संख्या आती है, एक तो पहले पासे पे संख्या आती है दूसरे पासे पे, इन दोनों को जोड़कर 4 आना चाहिए वो वाले पासे। तो जल्दी से एक काम करते हैं, मैं रेड मार्क लगाता हूं उनमें कौन कौन से ऐसे पासे जिन्हें जोड़कर 4 आना। देखो ये रहा बेटा, ये वाली आउटकम क्यों होगी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें पहले पासे और दूसरे पासे के नंबर को जोड़कर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और देखो 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 कौन सी है, इनमें और कोई सी भी नहीं है, देखो देखो ये रहा एक, ये ठीक है। और देखते हैं बच्चों ध्यान से देखना, अच्छा एक काम करता हूं ना, कोई डिफरेंट मार्कर यूज करता हूं, यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे रेड रेड सा, तो मैं यूज करता हूं बच्चों ब्लू। एक तो बच्चों ये रहा और एक ये आउटकम है, क्यों, क्योंकि इस पासे में दोनों संख्याओं को जोड़कर 4 आ, एक ये रहा बच्चों। और देखिए और कौन से बच्चों, और कोई सा भी नहीं है, चेक कर लो, कोई भी आउटकम ऐसी नहीं है जिसमें पासों के दोनों संख्याओं को जोड़कर 4 है। हमें तो यही बोला है ना, इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, हमें वो आउटकम्स लेनी है हमारे ई वाले इवेंट में जिसमें पासों को उछाला तो गया और दोनों संख्याओं को जोड़कर पहले पासे पे आया 1 संख्या, दूसरे पासे पे आई 3 संख्या और इन्हें जोड़कर आएगा 4। देखो यहां पर भी और यहां पर भी दोनों पासों की संख्याओं को जोड़कर 4, तो इन्हें उतार देता हूं। यदि आउटकम कौन सी है 1.3, ये तो पूरी उतर सकती है बच्चों आराम से। ये वाली आउटकम कौन सी है 2.2, और ये वाली आउटकम कौन सी है 3.1, ठीक है।
जैसा कि आपको बताया, मैंने बताया था गिवन दैट का मतलब क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है भैया। और अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भैया इनके साथ साथ मुझे ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है ना। अब यार ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब वो एलिमेंट जो इन दोनों में आ रहे हैं, अगर आप यहां नहीं देख पा रहे क्योंकि मैंने सारे आउटकम्स नहीं उतारे, तो यहां पर देखो वो आउटकम्स जिसमें डबल डॉट है वही तो इंटरसेक्शन वाले होंगे। देखो ये 1.3 ये हमारे इस वाले इवेंट में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और एक ये रहा। तो बच्चों ये रहे हमारे 1.3 कॉमा और ये आउटकम्स कौन सा 3.1, ये हमारे वो एलिमेंट है जो इसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? वहां पर आप डायग्राम से देख सकते हो, इसमें भी डबल टिक है, इसमें भी डबल टिक है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपको पता आपको किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। एक तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ई इंटरसेक्शन एफ की, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इसके एलिमेंट तो दो है, ऊपर दो आ जाएगा और नीचे आती है टोटल आउटकम, और ये टोटल आउटकम बच्चों 36 होती है। सिंपल हो गया, ठीक है, निकालने कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चे, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एफ वाले इवेंट की, हम हमेशा एफ वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस वाले इवेंट की। अरे यार इसमें कितनी आउटकम्स है, अगर मैं आपको बोलू ना काउंट करने को तो ध्यान से लिखना, अगर आप इन ब्लैक वालों को काउंट करोगे तो आंसर आएगा 30, ठीक है। ध्यान से देखना एफ के अंदर जो एलिमेंट है ना बच्चों 30 है, ठीक है, याद रखना 30 आप काउंट करके देख लेना, क्योंकि यही वाले 6 छोड़े थे हमने, 1 2 3 4 5 6 इन्हीं को छोड़ा था, बाकी सब आए थे तो 30 ही तो हुए, और नीचे टोटल आउटकम्स तो 36। बस आप लोगों को पता हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो कंडीशनल निकाल लेते हैं आराम से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ई बाय एफ, जिसका फॉर्मूला, और मुझे कैसे पता चला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो बोला ही नहीं बच्चों, जहां पर भी ये गिवन दैट आ जाए वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर बेसिक्स। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे एफ है ना तो एफ की प्रोबेबिलिटी, ये तो हम निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आ रहा है 2/36, इन्हें मत काटना, इन्हें ऐसे छोड़ देना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप देख सकते हो 30/36 आ रहा है, इसे मैं ऐसे रखना। अब काट लेते हैं बच्चों, 36 है तो 36 कट गया, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखना 2 1s और 2 15s, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ऊपर 1 और नीचे 15, तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो आई है 1/15 उतार नीचे से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बोर्ड पे उतार दिया, जल्दी से पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा 11th से जुड़ा हुआ है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, वो कह रहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाई को उछालते हैं, भाई उछाल लेते हैं डाई को। लो देखो बच्चों, अगर आप लोग भी डाई को उछालते हो एक पासे को, एक पासा होता है उसे डाई कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा होता है डाइस कहते हैं। अगर मैं एक पासे को उछालूंगा तो क्या क्या आ सकता है यार, देखो क्या क्या चीजें आ सकती है, हम सबको पता है 1 2 3 4 5 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही तो आउटकम्स आ सकती है। यहां पर यही बोला है ना कि चलो एक कंसीडर करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम एक पासे को उछालते हैं। मैं अगर एक पासे को उछालूंगा एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा और छह आएगा। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर वो कह रहा है आप पासे को उछालते हो तो कोई एक ही नंबर आ सकता है। अगर कोई 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल कौन होगा, एक तो खुद 3 होगा और एक 6 होगा, इन सारे नंबरों में से 3 का मल्टीपल 3 और 6 है। अगर ये 3 के मल्टीपल आते हैं थ्रो द डाई अगेन, अगर 3 के मल्टीपल आए तो क्या करना है, पासे को दोबारा उछालना। तो चलो उछाल देते हैं पासे को दोबारा, अगर 3 के मल्टीपल आए तो बच्चों क्या होगा, हमारे पासे को दोबारा उछाला जाएगा। तो देखो कुछ ऐसे मैं कहना चाहता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ध्यान से देखना बच्चों, अगर 3 का, अगर देखो 3 आता है तो हमें पासे को दोबारा उछालना, दोबारा उछालने दी गई है कम सही, और यहां पर भी आ सकती है आपको पता है ना, ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। ये कब उछालेंगे हम पासे, उसने बोला है अगर कोई 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा उछालना,
थ्री का मल्टीपल आया तो भी पासा उछाला, और सिक्स देखो ये भी थ्री का मल्टीपल है तो भी पासे उछाला, पासे में छह आउटकम्स आती है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, लेकिन अगर इनको छोड़कर जैसे वन आता है, टू आता है, फोर आता है, फाइव आता है, टॉस अ कॉइन, और अगर ये होता है तो हमें सिक्का उछाल देना, जैसे वन आ गया तो सिक्का उछालना है हेड, उछाल दिया, जैसे टू आया तो भी सिक्का उछालना है हेड और टेल, ठीक है, फोर आया तो भी सिक्का उछालना है हेड और टेल, फाइव आया तो भी सिक्का उछालना है हेड और टेल, बस ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ना एक बार सारी की सारी आउटकम्स लिख देता हूं, देखो बच्चों ध्यान से, चलो ध्यान से देख लो सारी की सारी आउटकम्स को ना ढंग से लिखते हैं। देखो मैंने पासा उछाला, एक आया तो एक के साथ हेड भी आ सकता है, तो वन कॉमा एच, समझना, फिर मैंने एक के साथ टेल को ले लिया, वन कॉमा टेल, आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर मान लो दुग्गी आती तो दुग्गी के साथ भी हेड उछालता तो टू कॉमा एच, या फिर टू के साथ टेल आया था तो टू कॉमा टेल, ठीक है। अब अगर मेरा तिग्गी आया थी, मतलब अगर मेरा तीन आया था तो इसके बाद हम पासा उछालते तो थ्री के साथ वन ले लिया, थ्री कॉमा वन हो जाता, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फाइव और थ्री कॉमा सिक्स, देखो ध्यान से, थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, थ्री फोर, ऐसे करके ले, ठीक है। अगर फोर आता तो हेड और टेल उछालते, फोर कॉमा हेड कॉमा फोर कॉमा टेल, ठीक है। अगर फाइव आता तो भी भैया फिर दोबारा हेड और टेल उछालते, फाइव कॉमा टेल, अगर सिक्स आता तो फिर पासा उछलता क्योंकि सिक्स हमारा थ्री का मल्टीपल है, सिक्स कॉमा वन, सिक्स कॉमा टू, सिक्स कॉमा थ्री, सिक्स एक बच्चों, सिक्स कॉमा फोर, सिक्स कॉमा फाइव और सिक्स कॉमा सिक्स, और ये सारे के सारे आउटकम्स को अगर आप सेट में डाल दोगे तो वो बन जाता है आपका सैंपल स्पेस, ठीक है। ये सारी के सारी आउटकम से यही घटना हो सकती है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वही करा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अरे भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, भाई यही होता है ना फॉर्मूला, तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो चलो देखते हैं भाई, मैंने आपको बोला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहां पर भी होती है वहां दो इवेंट होते हैं, देखो आपको इन्वर्टेड कॉमास में दे रखे, सर एक इवेंट तो दे रखा है ये वाला, ठीक है, और एक इवेंट दे रखा है ये वाला, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं एक तो इवेंट ये रहा और एक इवेंट ये रहा, इनमें से ई कौन है एफ कौन है, गिवन दैट के बाद वाला हमेशा इसको बोलना आप इवेंट एफ, ठीक है, और वो वाला कौन सा हो जाएगा, वो इवेंट ई हो गया, ये हो गया इवेंट ई, ठीक है। चलो ई और एफ पता चल गया, चलो ढंग से इन्हें लिखते हैं अच्छे से, तो यहां पर करते हैं क्वेश्चन को, पहले ई इवेंट को लिख लेता हूं, देखो ई इवेंट है क्या बच्चों, वो कह रहा है ई इवेंट में क्या आएगा, द कॉइन शोड अ टेल, मतलब जहां पर भी आपको टेल दिख जाए, बच्चों देखो यहां पर ये टेल दिखा, लो वन कॉमा टी और ये रहा टेल दिखा टू कॉमा टी, जहां पर भी टेल दिख जाए, इनमें तो कहीं टेल, अरे ये रहा फोर कॉमा टी, ये रहा फाइव कॉमा टी, इसके अलावा आपको कहीं पर भी टेल दिख रहा है किसी आउटकम्स में नहीं, तो ये लिख दिया ई इवेंट, द कॉइन शोज अ टेल, ठीक है। चलो अब यहां पर आते हैं देखते हैं, वो कह रहा है एटलीस्ट वन डाई शोज एस थ्री, मतलब कि एटलीस्ट आपको पता ही है बच्चों ये एफ इवेंट है हमारा, ये आपका एफ इवेंट है, एफ इवेंट में वो कह रहा है कम से कम आपका पासे में जो भी उछल रहा है उसमें एक में तीन होना चाहिए, मतलब कम से कम तीन का मतलब या तो एक तीन हो या तो दोनों के दोनों तीन हो, वो भी चलेगा, तो जहां पर तिग्गी दिख जाए वहां पे देखना है, तीन तीन तीन, ये रहा देखो तीन, अरे ये तो सारे के सारे, सारे के सारे भाई सब में तीन तीन आ रहा है ना, सारा थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फाइव, थ्री कॉमा सिक्स, और देखे बच्चों थ्री थ्री थ्री, ये रहा देखो थ्री, ये दिख गया सिक्स कॉमा थ्री, और कोई नहीं है थ्री, दिख रहा है बच्चों और कहीं पर भी नहीं दिख रहा। चलो भाई अब क्या करना है हमें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ माने कि वो एलिमेंट जो इस वाले ई वाले इसमें भी सेट में आएंगे और एफ वाले में भी आएंगे, तो भैया मुझे तो कोई भी नहीं है यार, तो इसे खाली छोड़ देंगे जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। चलो बच्चों ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, निकालते हैं पहले ई इंटरसेक्शन एफ की,
बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके एलिमेंट टोटल, यार इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, जीरो आ गया। नीचे टोटल कितना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ और छह होते हैं चौदह, और चौदह और छह होते हैं बीस, या गया ट्वेंटी। यार जीरो बाई ट्वेंटी तो जीरो ही होता है, लेकिन ऐसी छोड़ दिया। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी एफ की निकालते हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो इसके टोटल एलिमेंट को रखूंगा ऊपर, एक दो तीन चार पांच छह सात, और नीचे आएगा एकदम टोटल 20। वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आपकी 0/20, और इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 7/20। काट लेते हैं बच्चों, देखो इसको ध्यान से, 20 से 20 कट गया, 0 अपॉन में 7। अगर किसी का एनआर 0 है तो डीआर को नहीं देखते, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया है 0। तो बड़ा सिंपल था बच्चों, इसे जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका एमसीक्यू टाइप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी को, मैं एक बार प्रोबेबिलिटी ए को उतारता हूं, ये 1/2 है, इसका मतलब टोटल जो भी होगा वो दो होगा, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट है आपका ए का, है ना, इसका एक एलिमेंट है। क्योंकि अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन्हीं को तो रखते हैं यहां पर, मतलब ए के अंदर तो एक एलिमेंट है और टोटल दो एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं ढंग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आ गया 0, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 लगा देते हैं, है ना, वैसे तो 1 मानते हैं, 2 भी लगा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे टोटल तो दो ही है ना, मतलब कि हमारे टोटल आउटकम्स तो दो ही है, देखो यहां पर भी देख सकते हो दो ही है। यहां पर बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 0 का मतलब है बच्चों एक भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए के अंदर तो कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसे ए के अंदर मैं 1 मान भी लेता हूं, बी पूरा खाली है यार, पूरा का पूरा खाली है। तो उस हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यार वो भी पूरा खाली होगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो इसमें आ रही है कॉमन, नहीं खाली है वो भी। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इसके एलिमेंट 0 और नीचे टोटल 2, वही आ गया 0। 0/2 भी बोल सकते हो या 0 भी बोल सकते हो। मैंने ऐसा करके क्यों निकाला बच्चों, देखो ध्यान से बताता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ए बाय बी जिसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0/2 आ गया, लो ठीक है। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है आपका 0/2 आ रहा है। ठीक है, काट लो अगर इसे काटना भी चाहते हो तो 2 से 2, अरे यार 0/0, मैंने आपको बोला था जिसके नीचे 0 आ जाता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो आप देख सकते हो इसमें से आंसर क्या आपका, सी वाला नॉट डिफाइंड, कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी दोनों के दोनों इवेंट्स हैं, सच दैट हमें कुछ ये दे रखा है, और फिर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, वो कह रहा है बताओ फिर इनमें से क्या होगा। चलो ए ऑप्शन, बी और सी और डी जो भी देखे, चलो देखते हैं एक बार अपने इस वाले को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मैंने देखा यार इसका तो फॉर्मूला है, मैं इसके फॉर्मूले को नीचे पुट कर सकता हूं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी, यहां पर बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही आएगा इसका फॉर्मूला। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आएगा, देख सकते हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह लो या बी इंटरसेक्शन ए कह लो, बात तो एक ही है, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बात तब भी वही रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसका एनआर एकदम सेम है, तो ये कट जाएंगे दोनों, यहां पर भी बना गया यहां पर भी बना गया। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में क्या अभी भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 से करोगे तो सेम आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को 1 से करोगे तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बच्चों आप लोग डिसाइड करें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है,
और ध्यान से इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। तो अब मैं करता हूं बच्चों इस एक्सरसाइज 13.1 के साथ इस क्वेश्चन नंबर 17 का होता है एंड। अब बच्चों वीडियो का करते हैं एंड। तब तक के लिए बच्चों अगर आप लोगों को डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।